भोपाल के जेपी अस्पताल में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जापानी बुखार की वैक्सीन का शुभारंभ किया। ये वैक्सीन 1 से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। प्रदेश में 37 लाख बच्चों को टीका लगाया जाएगा। स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और डोर टू डोर भी वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत भोपाल, नर्मदापुरम, सागर और इंदौर में आज से की गई है। भोपाल, इंदौर, सीहोर और नर्मदापुरम, जहाँ पर इस बीमारी के आने के खतरे समझ में आए हैं, तो वहाँ पर टीकाकरण का ये अभियान शुरू हुआ है। 15 वर्ष तक के सभी बच्चों को ये टीकाकरण किया जाएगा। सर, आगे भी मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी वैक्सीनेशन करवाया जाएगा? अभी 4 जिलों में, उसके बाद जो गाइडलाइन आएगी भारत सरकार के और जो हमारे सर्वे का जो विभाग है